Please hear this. This is an official court order. It is written here, Ki Samar Singh or Karma be hanged until death on the 14th of August at noon sharp. क्या बात है राजवैद्य जी, क्या हुआ हमारी महारानी साहब को? महारानी साहब गर्भ से है। झांसी के उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली है। अब तो भाग्य उदय हो गया झांसी का। हम सबको ये शुभ समाचार देकर आते हैं। सुंदर, रघुनाथ जी, ये दासियां अचानक थालियां क्यों बजा रही हैं? पता नहीं। बधाई हो रघुनाथ जी, बधाई हो। महारानी झांसी को शीघ्र ही उसका उत्तराधिकारी देने वाले हैं। सच? जी, राजवैद्य जी ने अभी इसकी पुष्टि की है। सुना रघुनाथ जी आपने? सुना? आपसे कुछ विशेष बातें करनी है, मेरे साथ आइए। ईश्वर की कृपा से महारानी का स्वास्थ्य अच्छा है, परंतु चिंता की बात यह है कि रक्त स्तर कम है। रक्त क्षीणता के कारण महारानी साहब को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है, इसलिए श्रम से भरा कार्य जोखिम भरा हो सकता है, इस पर विशेष ध्यान रखें। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा, आज्ञा दीजिए। महारानी साहब की चेतना वापस लौटने पर मेरी तरफ से बधाई दीजिएगा उन्हें। यहाँ पर तो बधाई की आवाजें गूंजती, पर इन धूर्त फिरंगियों ने शमशान बना दिया। सच कह रहे, किसने ये सोचा था कि हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा? हाँ भैया, हम सब तो शुभकामनाएं देने के लिए आए, पर अब हम संतावना दे रहे हैं। हे भगवान, बधाई हो बधाई। बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रही हूँ कि महारानी लक्ष्मीबाई गर्व से है, झांसी के उत्तराधिकारी की किलकारी शीघ्र ही इस महल में गूंजेगी। महारानी साहब खुशल से है, मुंदर तुम्हारा ये लिखा हुआ पत्र बिठुर जाएगा। जी, और सुंदर तुम जल्द से जल्द ये पत्र महाराज तक पहुंचाने की व्यवस्था करो। जी, महाराज बहुत प्रसन्न होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि वे पिता बनने वाले हैं। But the situation in Jhansi has gotten out of hand. Just this week, one of our capable officers was killed by your Samar Singh. If it doesn't get any better, the East India Company will have its eye on the Jhansi. ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी अनुपस्थिति में हमारी महारानी को शासन संभालना बहुत अच्छी तरह से आता है। हमारे राज्य में अराजकता कभी फैल ही नहीं सकती। It better be that way. Otherwise, I am prepared to send a battalion in to the Jhansi. आपको आपकी बटालियन तैनात करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झांसी में ऐसा समय कभी नहीं आएगा। समर सिंह से जुड़ी समस्याएं हम स्वयं हल करेंगे। Both up.
But since I'm a nice guy, I will grant you your last wish. What do you call it, you? Antim Icha. Antim Icha. अब इसे चाट। जय धरती मां! जय धरती मां! सुंदर मुंदर हे देवा, क्या हो गया है हमें? बेटे ये छवि तुम्हारी मां की है बेटे। आई, तुम कहां चली गई थी? बेटा, मैं तो सदैव ही आपके साथ थी। देखा, जैसे ही मुझे आभास हुआ कि आपको मेरी जरूरत है, हम तुरंत ही आपके पास चले आए, है ना? आई, क्या आप जानती हैं हमें क्या हुआ है? हाँ बेटा, आप गर्भ से हैं। आई, इसका अर्थ है झांसी को उसका उत्तराधिकारी मिलेगा। हाँ, महाराज यहां होते तो कितने प्रसन्न होते। What happened, Your Majesty? Is everything all right? अब यूँ समझ लीजिए कि झांसी का कोई बाल भी वाका नहीं कर सकता। झांसी को जल्द ही उत्तराधिकारी मिलने वाला है। महारानी लक्ष्मीबाई नेवालकर वंश की वृद्धि करने वाले। धन्यवाद। झांसी? एक औरत का अस्तित्व तभी पूरा होता है जब वो मां बनती है, और तुम तो मां बनने वाली हो, है ना? पर इस सुख के साथ साथ बहुत सारे दायित्व भी मिलते हैं, और आप तो झांसी की रानी हैं, इसलिए आपके दायित्व तो और भी बढ़ गए हैं जिन्हें आपको निभाना है। बेटा, अब तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आप स्वयं को असहज महसूस करती हैं। और हाँ, घुड़सवारी और तलवारबाजी, इन दोनों चीजों को आपको बिल्कुल त्याग देना है। आखिर त्याग ही तो औरत का दूसरा रूप होता है ना? अब आपको अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए जीना है। हम आपको वचन देते हैं, हम झांसी के भविष्य को संभालेंगे, चाहे वो फिरंगियों के षड्यंत्रों से बचाना हो या इस बच्चे को जन्म देकर। हम दोनों परिस्थिति में झांसी के भविष्य को संभालेंगे।
महारानी साहब, अब समय आ गया है कि नन्हे बाल गोपाल को पालने में स्थापित किया जाए। बेटा, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे आप स्वयं को असहज महसूस करते हैं। हाँ, हम क्या करें? एक तरफ हमारा पत्नी धर्म है और दूसरी तरफ हमारा राज धर्म कहता है कि निरपराध लोगों को अत्याचार से बचाओ। हे देवा, हम क्या करें? महारानी साहब, क्या हुआ महारानी साहब? राजा गदाधर ने ही तो समर सिंह को बंदी बनाने का आदेश दिया था। सारी चिंताओं को छोड़कर प्रसन्न रही हैं। कहते हैं बच्चे को संस्कार मिलना गर्भ में ही आरंभ हो जाता है। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के 6 चक्र अपने माँ के गर्भ में ही सीख लिए थे। वैद्य जी ने कहा है कि थोड़ा सा भी शारीरिक श्रम आपके बच्चे के लिए घातक हो सकता है। आप ही बताइए, हम करें भी तो क्या करें? ये धूर्त फिरंगी कर्म और समर भाव पर इतने अत्याचार कर रहे हैं। गांव वालों के बच्चे अनाथ हो गए, इन फिरंगियों ने महाराज को भी विवश कर दिया है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहे, परंतु हम करेंगे। लक्ष्मी बाई दोनों भार संभालने के सक्षम है, झांसी के उत्तराधिकारी की भी और अपनी प्रजा की भी। यदि आज हम नहीं गए तो हमारे पति के नाम पर सदैव के लिए कलंक लग जाएगा और हम अपने पति के नाम को कलंकित नहीं होने दे सकते। आपके इस कदम का परिणाम महारानी साहिब। इंदु, इंदु, इंदु,
मनु रुको, हमें मत रोकिए। यदि आज हम अपने भाइयों को नहीं बचा पाए तो हमारे पति पर कलंक लग जाएगा और हम स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। आज बहुत कुछ दांव पर लगा है और हम चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। परंतु मनु, अपने बारे में भी सोचो। तुम गर्भवती हो और वैद्य जी ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें पूर्ण विश्राम। हम जानते हैं, इसकी मां है हम। अपने प्राणों से भी अधिक चाहते हैं इसे। आप चिंता ना कीजिए। क्षमा कर देना समर भाव, हमें क्षमा। एक बात समझ में नहीं आई करमा, एक ओर महाराज ने हम राजपूतों से मित्रता स्वीकार की और दूसरी ओर हमें बंदी बनाने का आदेश भी दे दिया। ना 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 समर भैया ना, हमका इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है कि इस सारी की सारी चाल फिरंगियन किया है। और एक बात समझ लो समर भैया, हमरी रानी लक्ष्मीबाई चुप नहीं बैठेगी। वो हम दोनों को यहाँ से लेने के वास्ते आवेंगी और जब हमरी महारानी लक्ष्मीबाई आवेंगी उनके सामने इन फिरंगियों की कछु नहीं चल पाएगी। हाँ भैया, तुम लोगन हम लोगन का कछु नहीं बिगाड़ सकते। ए, ये सफेद कपड़ा तो तुम्हारे खून से ही रंगेगा। धरती मां, जय धरती मां। महारानी साहब को पूर्ण विश्राम की आवश्यकता है। यदि इन्होंने विश्राम नहीं लिया तो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए प्राण घातक हो सकता है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान दें। It's fantastic news. हां साहब, वैद्य जी ने महारानी लक्ष्मीबाई को पूर्ण विश्राम करने के लिए कहा है, अन्यथा उनके शिशु को खतरा हो सकता है। We'll make sure that she remains sick, but not pregnant. धन्यवाद साहब। एक बात पर पूर्ण विश्वास है हमका, क्या हमारी महारानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पे आएगी और हम दोनों को यहाँ से ले जाएगी घोड़े पे सवार। बहुत खुश हो रहे हो? अरे हाथ हाथ मिला मिला डांस कर रहे हो। मैं तुम्हें मौत का डांस दिखाऊंगा। तू बस सपने देख, सपने। तुम समझ रहे हो कि वो क्रांति गुरु के ड्रेस पहन के तुम्हें बचाने आए? नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो। Yes, your doctor. I mean, your stupid Vedya. उसने उसे strict bed rest बोला। जो could helpless हो तो वो
तुम्हें क्या बचाएगा? झांसी को राजकुमार मिलने वाला है और इन फिरंगियों को झांसी से भगाने वाला है। राजकुमार मिलने वाला है और इन फिरंगियों को झांसी से भगाने वाला है। अब मरने से कोई नहीं डरने वाला है, अब मरने से कोई नहीं डरने वाला है। राजकुमार तुम गौरव को भगाने वाला है। भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग, भाग फिरंगी भाग। पंडित को बुलाओ। भाग फिरंगी भाग। Hey, पंडित, तुम लोगों के रिलीजन में जो मरने से पहले क्या प्रोसेस करते हो जल्दी से करो। भाग फिरंगी भाग, भाग, भाग फिरंगी भाग, भाग, भाग। अविनाशी तुम रहते हैं सर्वमिदं ददाम विनाशं यस्यास्य। हे ईश्वर, अगर आज तक हमने कोई पुण्य किया है तो उसके प्रताप से हमारी बहन और उसके होने वाले बच्चे की रक्षा करना। ताते गुरु, हम तो चलने योग्य भी नहीं, और ये धूर्त फिरंगी झांसी की प्रतिष्ठा और महाराज के नाम को कलंकित करने के प्रयास में है। हमें हर हाल पर समर भाव और कर्मा को बचाना है। कर दीजिए हमला कमिश्नरी के कारागार पर और छुड़ा लीजिए उन दोनों को। भाई साहब, मैं तो केवल आपके आदेश की ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे सौगंध है आपकी, मैं उन दोनों को सकुशल आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगा। आज्ञा दीजिए। अब कैसा लग रहा है? अब कुछ ठीक है। हमने श्रावण पूजा की सारी तैयारी कर ली है। तुम्हें इस पूजा में सम्मिलित होना होगा और ये पूजा तुम्हारा और तुम्हारे शिशु का कल्याण करेगी। इस समय इस कुलदीपक की सुरक्षा ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। ये आपके अजन्मे शिशु की पवित्र आत्मा है। हे देवा, हमारे शिशु की रक्षा करना और ताते गुरु को उनके उद्देश्य में सफल करना। हर हर महादेव। मेरे राजपूत भाइयों, इससे पहले कि वो फिरंगी समर सिंह और कर्मा को तोप के दाने से बांध कर उड़ा दें, हमें उन पर आक्रमण करना होगा और उन्हें छुड़ाना होगा। क्या तुम सब ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हो? अरे एकता विश्वास न करो भाई लोग, ये भी गंगाधर का आदमी है। क्या हुआ? कहां गया तुम राजपूतों के खून का उबाल? दिखार है तुम सब पर। देखकर लगता नहीं है तुम लोगों को कि तुम सबका मुखिया समर सिंह है? कायर हो तुम सब। कोई बात नहीं, उन फिरंगियों के लिए ये अकेला तात्या ही काफी है। हट जाओ मेरे रास्ते से कायरों, हट जाओ। आपके साथ हैं। हम तैयार हैं। ठीक है। बोलो तो चंडी भैया के जय। चंडी भैया के जय। परंतु तात्या जी, हमें करना क्या होगा? हमें सबसे पहले समर सिंह और कर्मा तक संदेश पहुंचाना होगा कि हम उन्हें छुड़वाने आ रहे हैं। परंतु संदेश कहाँ है?
जाओ ये संदेश उन तक पहुंचा दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाजमा ठीक करने का पाचक ले लो। आ जा रहे हो? अरे साहब हाजमा ठीक करने का पाचक है ये, कोई बेचने की जगह है? अरे यहाँ जाओ। अरे साहब नाराज क्यों होते हो, खरीद के जाओ, जाओ बाहर जाओ। हाजमा पाचक है, ले लो साहब, चक्के देख लो ना। लो साहब चक्के देखो साहब। हाँ साहब अच्छा है ना साहब। लो साहब आप भी लो साहब। हमें ये प्रतीक्षा करनी है कि संदेश समर सिंह और कर्मा तक पहुंच जाए। ये किसे मार डाला आपने? चाचे को यहां तो आने दो। हे देवा ये तो अपशगुन है। महारानी साहब नेल्सन साहब से आपके लिए संदेश आया है। क्या हुआ मनु? नेल्सन ने हमें समर सिंह और कर्मा के मृत्यु दंड का साक्षी बनने के लिए झांसी बाजार के चौराहे पर बुलाया। हे देवा क्या तात्या गुरु उन दोनों को छुड़ाने के लिए कमिश्नरी नहीं पहुंच पाए? यहां तो कोई भी नहीं है। तू ब्लडी इंडियन क्या समझता था हम ब्रिटिशर इतनी आसानी से तुम्हारी चाल में फंस जाएगा और हमारे प्रिजनर को यहां से ले जाएगा? आ, 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 आ,
हे देवा, कैसी स्थिति पैदा कर दी है तूने। हमें तो लगता है ताते गुरु अवश्य इन फिरंगियों के जाल में फंस गए हैं। क्या करें, कैसे इस अनिष्ट को रोके। हे देवा, इस समय महाराज हमारे साथ होते तो तू ही कुछ मार्ग दिखा। माँ, एक बार फिर हमारे सम्मुख धर्म संकट आ गया है। नरसिंह राव जी। जी महाराज, झांसी के उत्तराधिकारी के लिए सुंदर सा पालने का प्रबंध कीजिए। जो आ गया महाराज। हे जगदम्बे, तू ही कोई राह दिखा, तू ही बता हम क्या करें। तुम अपने धर्म का पालन करो। आई अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि उचित अनुचित कुछ भी नहीं होता, बस ईश्वर पर विश्वास रखो। यदि तुम अपनी बुद्धि से काम लोगी तो धर्म और कर्म दोनों का पालन कर पाओगी। कर्मा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमें ऐसी गौरवशाली मृत्यु प्राप्त होगी? नहीं भैया, नहीं। महारानी लक्ष्मीबाई और आपके पचिन्हों पर चलकर हमारा तो पूर्ण जीवन ही गौरवशाली हुई गया भैया। तू सही कह रहा कर्मा, यदि हमारी बहन ने हमें सही रास्ता ना दिखाया होता तो आज हमें ये गौरवशाली मृत्यु कहां प्राप्त होती। देख कर्मा, देख, हम मर नहीं रहे, शहीद हो रहे हैं। पर भैया एक शिकायत रह गई मुला इस जीवन में, इन फिरंगियों को स्वयं अपने हाथों से नहीं खदेड़ा हमारी धरती माँ के सीने पर से। श्रावणी पूजा की झांकी है माता की। No, something's wrong. I've seen their mata many times, but this one's different.
ये क्या है? माता का प्रसाद।